हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग संविधान का ये पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो भाग एक से संबंधित है। संविधान का भाग एक जो है अनुच्छेद एक से लेकर अनुच्छेद चार तक ये भाग एक दिया गया है, जिसमें ये है संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। यानी संविधान का जो भाग एक है, संविधान में कुल 22 भाग हैं और मुख्य रूप से जो है 395 अनुच्छेद हैं। उसी अनुच्छेद के अंदर बहुत सारे अनुच्छेद जोड़े घटाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से उतना ही रहता है। और ये हम लोग देख लिए और इसमें हम लोग देखेंगे कि भाग एक में इसके बेसिक जो क्लास है इसके हमने इसके पहले बता दिया है, जिसमें हम लोग बताए हैं कि संविधान क्या होता है और राज्य व्यवस्था क्या होती है, इसके बारे में हमने बताया है। और एक क्लास और हमने लिया था कि ये संविधान अनुच्छेद अध्याय खंड उपखंड इन सब के बारे में हमने एक डिटेल से बनाया है इसके पहले। तो आज की जो क्लास है इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो कि भाग एक में अनुच्छेद एक से लेकर अनुच्छेद चार तक दिया गया है, इन सभी अनुच्छेदों के बारे में हम लोग डिटेल से बारी बारी से समझेंगे कि क्या है इसमें। तो इस सब के बारे में हम लोग समझेंगे। तो दोस्त, हम लोग सबसे पहले अनुच्छेद पे आते हैं जो संविधान भाग एक का अनुच्छेद नंबर एक है। ये मुख्य रूप से तीन भागों में बटा है। जो अनुच्छेद के अंदर अनुच्छेद रहता है हम लोग उसे क्लॉज बोलते हैं। तो यानी अनुच्छेद एक तीन भाग में बटा है, तो हम लोग अनुच्छेद एक क्लॉज वन, क्लॉज टू, अनुच्छेद एक का क्लॉज टू, अनुच्छेद एक का क्लॉज थ्री, ऐसे करके इसे पढ़ते हैं। हमने ये बताया है अगले वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्त, ये क्या होता है अनुच्छेद एक में, इसमें क्या कहा गया है, इसमें दोनों नाम दिया है। जब संविधान सभा चल रही थी तो कुछ लोग कहें भाई भारत का नाम इंडिया रखा जाए, कुछ लोग कहें नहीं भाई भारत भारत के नाम से जाना जाता है, भारत ही रखा जाए। तो काफ़ी इसमें मतभेद हुआ, तो लोगों ने इस मतभेद को शांत करने के लिए इसमें दोनों नाम रख दिए, भारत और इंडिया। तो इसी में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी सभी राज्यों को मिलाकर भारत होगा। संघ का मतलब यहाँ आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए देश या भारत के बारे में बात कर रहा है। यानी भारत अर्थात इंडिया ये राज्यों का संघ होगा, यही कहा है इसमें। यानी राज्य कितना भी आपस में बने बिगड़े, लेकिन वो हमेशा जो है एक संघ के रूप में रहेंगे, वो अलग नहीं हो सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। यानी क्या कहा गया है दोस्त, इंडिया दैट इज भारत जो है राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। तो ये हो गया दोस्त, इसी में यह बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, वो हमेशा इसी के अपने ही एक दायरे में रहेंगे, वो अलग नहीं हो सकते। तो अब इसमें ये दूसरा जो क्लॉज है इसमें ये क्या कहा गया है दोस्त, कि राज्य क्षेत्र वही कहलाएंगे जो अनुसूची एक में दिया गया है। जैसे अनुसूची हम लोगों के पढ़े होंगे, अनुसूची 12 है, अनुसूची एक में राज्यों और यूटी का राज्य क्षेत्र नाम और उसकी सीमाएं दी हुई हैं। और जैसे अगर अनुसूची दो में देखेंगे तो इसमें सभी पदाधिकारी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, इन सभी के बारे में जो है इनके वेतन, भत्ता, पेंशन इत्यादि के बारे में बात किया अनुसूची दो में। और अनुसूची तीन में अगर हम लोग झांक कर देखेंगे तो उसमें क्या दिया गया है कि इन्हीं जो पदाधिकारी हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक, इन सभी का जो शपथ होता है, कैसे शपथ होता है, इन लोगों का अलग अलग, लोगों का अलग अलग शपथ होती है, तो शपथ के बारे में दिया गया है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि यही अनुसूची नंबर एक में जो कहा गया है, कि अनुसूची नंबर एक में लिख दिया गया है कि ये राज्य होंगे, ये यूटी होंगे यानी संघ क्षेत्र होंगे। तो वही कहा गया है कि राज्य क्षेत्र वही कहलाएंगे जो अनुसूची एक में दिए गए हैं, यानी अनुसूची एक में जो दिया गया है वही राज्य क्षेत्र होंगे, उसके अलावा आप कोई भी मान ले तो मान्य नहीं होगा। तो ये कह दिया गया है इसमें अनुच्छेद एक के क्लॉज दो में। तो अगर हम लोग अगर तीसरे की बात करें तो ये क्या कहता है, जो क्लॉज तीसरा है ये कहता है भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। किसके बारे में दोस्त, भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में ये बात करता है। भारत के राज्य क्षेत्र क्या क्या होते हैं हम लोग पता कर लें। पहला तो राज्य होता है, दूसरा क्या होता है, यूटी यानी यूनियन टेररिस्ट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं संघ क्षेत्र बोलते हैं। और ये क्या, एक तीसरा क्या होता है कि अर्जित, जिसे हम लोग अर्जित कर सकने वाला होता है, जिसे कभी भी हम लोग भविष्य में अर्जित कर सकते हैं, ऐसा अभी जो भारत का हिस्सा नहीं है लेकिन भविष्य में यह हो सकता है, उसके बारे में। यानी जो भारत का राज्य क्षेत्र है, भारत का राज्य क्षेत्र क्या क्या होते हैं, जो पूरे स्टेट प्रांत हैं
वो हो सकते हैं, और जो यूटी है जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये सभी हैं, और ऐसा भी क्षेत्र है जो भविष्य में अर्जित किया जा सकता है। यही होते हैं भारत के राज्य क्षेत्र। भारत के राज्य क्षेत्र जो है भारत के संघ से बड़ा होता है। भारत का संघ जब बात आती है तो भारत के संघ में केवल राज्य की बात होती है, उसमें यूटी की बात नहीं होती है। लेकिन जब भारत के राज्य क्षेत्र की बात आती है तो उसमें यूटी भी शामिल हो जाता है, स्टेट भी शामिल हो जाता है, और जो है जो भविष्य में अर्जित करने वाली होती है भूमि, वह भी इसमें शामिल हो जाता है। तो अगर परीक्षा में पूछे भारत के संघ और भारत का राज्य क्षेत्र में कौन बड़ा है, तो भारत का राज्य क्षेत्र बड़ा है, क्योंकि इसमें ये तीनों शामिल होते हैं। और भारत का संघ की जब बात होगी तो उसमें केवल स्टेट यानी राज्य शामिल होंगे। तो ये हो गया। अब हम लोग अगर अनुसूची दो के बारे में बात करें, इसके हम लोग थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, इसके नीचे लिख दिया गया है। तो अनुसूची दो के बारे में अगर बात करें तो ये क्या कह रहा है कि अगर संसद चाहे तो एक विधि प्रक्रिया के तहत, एक नियम कानून के दायरे में आकर जो है किसी भी नए राज्य का स्थापना कर सकती है। यानी ये नए राज्य की स्थापना की बात कर रहा है। यानी संसद अगर एक विधि प्रक्रिया के तहत एक नियम दायरे में आकर अगर वो चाहे तो जो है एक नए राज्य की स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद दो में ये कहा गया है, बस इतना ही कहा गया है। अनुच्छेद तीन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या कहा गया है कि परिवर्तन यानी चेंजिंग, यानी किसी भी राज्य की सीमाओं को हम घटा बढ़ा सकते हैं, किसी का नाम हम अदल बदल सकते हैं, या कोई राज्य को हम काट छाट कर छोट बड़ा कर सकते हैं। इन सभी के बारे में अनुच्छेद तीन में ये कहा गया है। तो इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी नए राज्य की स्थापना के बारे में बताया गया है, और इसमें क्या बताया है कि कोई भी राज्य होता है तो उसे हम लोग उसकी सीमाओं को घटा बढ़ा सकते हैं, उसका नाम अदल बदल सकते हैं, और उसको कई राज्यों को मिलाकर तोड़ फोड़ कर एक नया राज्य बना सकते हैं। तो ये परिवर्तन के बारे में ये बताया गया है अनुच्छेद तीन में। और अनुच्छेद चार में ये क्या कहा गया है दोस्त कि अनुच्छेद तीन और अनुच्छेद दो, इन दोनों से संबंधित कोई अगर हम काम कर रहे हैं तो क्या होता है, वो 368 अनुच्छेद के संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी जैसे कोई संविधान संशोधन होता है तो वो कई तरीके से होता है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। संविधान संशोधन होता है तो दो प्रक्रिया के तहत होता है, एक साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत से। संविधान संशोधन की शक्ति जो दी गई है वो 368 में, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन करने की शक्ति दी गई है। और उसमें कहा गया है कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जो साधारण बहुमत से पारित हो जाते हैं, कुछ यानी वो 33%, एक तिहाई, और कुछ ऐसे संविधान संशोधन होते हैं जिन्हें पारित करने के लिए दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी 66%। तो यही बात कहा गया है। तो अनुच्छेद चार में ये कहा गया है कि अनुच्छेद तीन और अनुच्छेद दो से संबंधित अगर हम कोई कार्य करते हैं तो अनुच्छेद 368 के जो है दायरे में नहीं आएगा, ये केवल साधारण बहुमत से आएगा। यानी जो अनुच्छेद दो और तीन, अनुच्छेद दो और तीन से संबंधित कोई कार्य करेंगे तो विशेष बहुमत के अंतर्गत नहीं आएगा, यह कहा गया है इसमें। यानी यह साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा। तो यही है दोस्त, हमने देख लिया भाग एक, संविधान में जो है 22 भाग दिए हैं, उस भाग एक का आज हमने पढ़ लिया कि भाग एक में दिया गया संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है, और इसमें कुल चार अनुच्छेद हैं। चार अनुच्छेद में हम लोग देख लिए, पहला तीन भाग में बटा है। इसमें क्या कहा है कि भारतीय और उसके भारत अर्थात राज्य, इंडिया अर्थात भारत और उसके राज्य क्षेत्र के संघ होगा, यानी भारत राज्यों का संघ होगा, ये बताया गया है इसमें। और इसमें क्या कहा गया है कि राज्य क्षेत्र वही होंगे जो अनुसूची एक में दिया गया है। और इसमें ये कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में बताया कि भारत के राज्य क्षेत्र क्या क्या होते हैं, यानी जो स्टेट होते हैं वो है यूटी है, और जो भविष्य में हम लोग उसे एक्वायर कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं, वो है। और तीसरे में क्या कहा गया है अनुच्छेद नंबर तीन में, अनुच्छेद नंबर दो में अगर बात कर लें तो यही कहा गया है नए राज्यों की स्थापना कर सकता है संसद, उसको शक्ति है। और अनुच्छेद तीन में कहा गया है कि परिवर्तन कर सकता है, किसी भी राज्य की सीमाओं परिवर्तन कर सकता है, उसका नाम परिवर्तन कर सकता है, और इन सभी को इन परिवर्तन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद चार के बारे में यह कहा गया है कि यदि हम लोग अनुच्छेद तीन अनुच्छेद चार यानी नए राज्य की स्थापना करें या किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन सीमा परिवर्तन करें तो वह साधारण बहुमत से होगा, विशेष बहुमत से नहीं होगा। तो यही इस चार के बारे में बताया गया है, यानी ये साधारण बहुमत।
ये साधारण बहुमत बारे में बताया गया, तो हम लोग ये देख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो है भाग दो, भाग दो जो है दोस्त हम लोग जैसे मालूम है नागरिकता से संबंधित है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 में दिया गया है नागरिकता भाग दो में। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।